let's talk about some of the fragrances which I absolutely love, and these are super duper affordable. So first of all is Nivea ka Pearl and Beauty Roll On. Totally finished it up and its fragrance is wow, hai gazab ki fragrance hai. इसकी काफ़ी फ्लावरी सी फ्रेगनेंस है एंड इट लास्ट फॉर 4 to 5 hours. अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है तो इसका प्राइस है 199 rupees. एंड नेक्स्ट ये है डियो. मैं जो भी दिखाऊंगी उसमें से सिर्फ एक ही डियो है, मुझे ज़्यादा डियो पसंद नहीं है. ये वुमेन का एंगेज ड्रिजल वाला डियो एंड इसकी फ्रेगनेंस एंड इसकी फ्रेगनेंस मतलब बिल्कुल भी वुमेन की जैसे फ्रेगनेंसेज होती है ना वैसी नहीं है. काफ़ी माइल्ड फ्रेगनेंस है इसकी, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है एंड मेरे को अच्छी लगी इसकी फ्रेगनेंस. पता है स्टार्टिंग में जो फ्रेगनेंस आती है वो तो फिर भी अच्छी है, लेकिन बाद में थोड़ी सी सिट्रसी सी फ्रेगनेंस है इसकी. यू कैन ट्राई दिस वन. इसका जो प्राइस है बताती हूँ, 210 rupees इसका प्राइस है. मैंने कुछ थोड़ा बहुत 5-10% डिस्काउंट में ख़रीदा था एंड मुझे ऐसे ये डियो ट्राई करना था. डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. मेरी दिल की भावनाओं को समझो, मैं नहीं फ्रेगनेंस एक्सप्लेन कर पाती यार. ये बेनिसा का नेचुरल स्प्रे, छोटू सा क्यूट सा परफ्यूम है ये. आई थिंक मुझे ₹100 या ₹90 का मिला था, मैंने नायका से ख़रीदा था ये. इसके ना काफ़ी सारे वेरिएंट भी आते हैं, ब्लैक वाला भी मैंने यूज़ किया हुआ है एंड ये ना काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है. इट स्टेज फॉर मतलब होल डे, मतलब 7 to 8 hours आराम से स्टे होता है ये. मैंने इसे बहुत यूज़ किया, एज यू कैन सी मैं इसे ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ. इसकी फ्रेगनेंस ना थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, मतलब इफ़ यू आर समवन हु यूज माइल्ड फ्रेगनेंसेज ओनली, तो इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है. मेरे घर वालों को बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड इसकी फ्रेगनेंस मैं इसकी ना फ्रेगनेंस वही फ्लोरल फ्रेगनेंस इसकी बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मीठी सी फ्रेगनेंस है. मतलब वुमेंस वाले परफ्यूम जैसी इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल भी नहीं है. इट इज़ समवन डिफरेंट. तो आई थिंक यू कैन ट्राई, इट इज़ इन अफोर्डेबल रेंज एंड मैंने काफ़ी यूज़ किया है, मुझे ये पसंद है. मतलब इफ़ यू वॉन्ट अ लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम इन अफोर्डेबल रेंज दैट इज़ इट इज़ अंडर ₹100, तो यू कैन ट्राई दिस वन. द बॉडी मिस्ट, दिस इज लेयर वॉटिगर्ल का मिस्टिक आइसलैंड. इसकी मुझे जो फ्रेगनेंस है ना वो मेरे को इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी सी वो लगती है, एकदम नाक में घुस गई मेरे फ्रेगनेंस इसकी. इसकी फ्रेगनेंस मुझे थोड़ी सी ना जैसे बीच वीच के पास चले जाते हैं ना, कुछ वैसी सी इसकी फ्रेगनेंस मुझे लगती है एंड पूरे रूम में ना खुशबू ही खुशबू हो गई, सारी खुशबू मिक्स हो गई है, ऐसा हो गया. इसकी फ्रेगनेंस थोड़ी बीच में चले जाते हैं वैसे से ना, थोड़ी सी सिट्रसी सी इसकी फ्रेगनेंस है एंड इट्स नाइस. मैंने इसे बहुत यूज़ किया है एंड इट लास्ट फॉर 4 to 5 hours अगर आपको स्वेटिंग नहीं होती तो. एंड नेक्स्ट द लास्ट परफ्यूम इज दिस. ये भी वेनेसा का परफ्यूम है, मैंने आपको ये भी दिखाया था. दिस वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम वेनेसा एंड दिस वन इज़ ऑल्सो फ्रॉम वेनेसा एंड इन सब में से सबसे ज़्यादा मेरा जो फेवरेट परफ्यूम है ना वो यही वाला है. आई जस्ट लव इट्स फ्रेगनेंस. मतलब मैं बताती हूँ, इसकी फ्रेगनेंस ना माइल्ड है काफ़ी, बट जस्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाती यार प्रेगनेंस. आई एम रियली वेरी वेरी बैड एट एक्सप्लेनिंग प्रेगनेंसेस. मैं कैसे बताऊँ इसकी प्रेगनेंस, बट ये ना बस आँख बंद करके खरीद लो, यू विल डेफिनेटली लव दिस वन. इसको मैंने 350 rupees का ख़रीदा था. मैंने इसका आउटर बॉक्स मैं बहुत पहले फेंक चुकी हूँ एंड इसकी प्रेगनेंस काफ़ी अच्छी खासी लास्ट करती है. तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, मतलब नॉट टू मच, लेकिन ये है कि आप सुबह जाओगे तो शाम तक रहेगा आपकी बॉडी में, तो लॉन्ग लास्टिंग भी है एंड ये मेरा फेवरेट है इन सब में. जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ मैं इसे लगा के जाती हूँ. आई जस्ट लव दिस वन. तो अगर आपको इन सब में से कोई भी सिर्फ एक अगर आप बोलोगे ना मुझे कि मुझे कोई एक मैं कौन सा खरीदूँ, तो आई विल से दिस वन. दिस वन इज सुपर डुपर अमेजिंग. एंड अगर आपको रोल ऑन चाहिए तो रोल ऑन तो ये बेस्ट है यार. निव्या का इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी अच्छी है. सो ये मुझे सब परफ्यूम में ये वाला मेरा बेस्ट परफ्यूम है, मतलब ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. So yeah, that's it for today's video. If you like this video, do share, like and subscribe. Bye bye. Stay happy and healthy and be positive.